हेलो एवरीवन, वेलकम टू तृप्ता इनोवेशंस। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप रिलाय अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में सेल्स रिपोर्ट पार्टी वाइज को कैसे जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पे रिपोर्ट्स सेल जनरल पे एंटर करना है। यहाँ जिस डेबुक की रिपोर्ट व्यू करनी हो वो डेबुक को सिलेक्ट कर लेना है। वाइज यहाँ डेट पार्टी या बिल नंबर जिस वाइज रिपोर्ट व्यू करनी हो वो ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। हम यहाँ पार्टी वाइज ऑप्शन को सिलेक्ट कर रहे हैं। पीरियड जिस डेट से लेके जिस डेट तक की सेल्स रिपोर्ट देखनी हो वो पीरियड को आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। नेक्स्ट टाइप, अगर इनवॉइस में कुछ रिमार्क्स एंटर किए हैं वो रिपोर्ट में व्यू करने हो तो डबल ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, अदरवाइज सिंगल ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रिंट एसटी नंबर, पैन नंबर, टिन नंबर। रिपोर्ट में पार्टी का एसटी नंबर, पैन या टिन व्यू करना हो तो यहाँ पे यस मतलब वाई एंटर करना है, अदरवाइज नो मतलब एन एंटर कर देना है। नेक्स्ट ब्रोकर, अगर सभी ब्रोकर्स की रिपोर्ट व्यू करनी हो तो यहाँ पे ब्लैंक रखना है, अदरवाइज कोई पर्टिकुलर ब्रोकर की रिपोर्ट के लिए ब्रोकर का नाम यहाँ एंटर कर देना है। नेक्स्ट हम यहाँ पे एंटर कर देंगे, रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी। अगर इस रिपोर्ट को प्रिंट करना हो तो यहाँ एक बार एस्केप की प्रेस करके प्रिंट ऑप्शन को सिलेक्ट करके एंटर कर देना है, आपकी रिपोर्ट प्रिंट हो जाएगी। नेक्स्ट अगर इस रिपोर्ट को किसी और फॉर्मेट में व्यू करना हो तो यहाँ पे सेंड टू ऑप्शन पे एंटर करके लिस्ट में से फॉर्मेट को सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से हम रिलाय में सेल्स जनरल रिपोर्ट को जनरेट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।